in Delhi, it's very clear that the battle is between Aam Aadmi Party and the BJP. Congress is very clearly a distant third. ये चुनाव में मेरा नारा है कि हर घर से मेरा नाता है, रिश्ता निभाना मुझे आता है। जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है, इट्स अ ग्रेट मूव, इट्स अ पार्टी जो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, जो डेवलपमेंट करती है। वोटर्स आर वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट दे माइट कम आउट ऑन द रोड टू सी गौतम गंभीर बिकॉज़ ही इज अ सेलिब्रिटी, बट आई थिंक पीपल आर वेरी सेंसिबल डिसीजन मेकर्स व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली देयर वोटिंग चॉइस। आप उस पार्टी के बारे में क्या बोलोगे जिसने 4.5 साल में सिर्फ प्रॉमिसेस किए और इतना ज्यादा अलायंस के लिए पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई यहाँ पर बेस नहीं है। दे ट्राइड दैट वंस विद किरण बेदी एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड। दे आर ट्राइंग दैट वंस अगेन विद गौतम गंभीर एंड ही इज लाइकली टू मीट द सेम फेट एज किरण बेदी। मेरी इंटेंशन सच्ची है, मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करूं और इस देश के लिए काम करूं। बीजेपी हैज गिवन टिकट टू गौतम गंभीर and it seems many of the leaders within BJP itself are extremely unhappy, so we will see how that pans out. tackle karne ki koi baat hi nahi hai, main apna vision, party apna vision dikhayegi aur jo promises karegi usko fulfill karegi jo party ne kiya pichle 5 saal se. I am beginning to wonder whether BJP wants to give me a walkover in this match. They are our guests, they have come to East Delhi and as a resident of East Delhi it is my duty to welcome our guests. They are on election picnic. क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली ने यू टर्न लेते हुए फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले लवली आज फिर कांग्रेस में लौट रहे हैं।